इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है उसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसका महत्व समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी, अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। अपनी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है।